तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सत्या टेक जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों WhatsApp पे कोई भी मैसेज आपको सेंड करता है या दोस्तों आप उसको सेंड करते हैं तो उस मैसेज को आप रिएक्ट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप उसको आप इमोजी से आप रिएक्ट कैसे कर सकते हैं। या दोस्तों वो सब का नया अपडेट है दोस्तों। अगर आप में यह रिएक्ट नहीं हो पाता है मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। अगर नहीं होता है तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको WhatsApp को अपडेट कर लेना है। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आप दोस्तों आपको WhatsApp को ओपन कर लेना है, उसका ना आपको ओपन करना है और उसके बाद उस मैसेज को आपको टैप करके रखना है। जिस तरह से अपडेट करने के लिए टैप करके रखते हैं उसी तरह आपको यहाँ पर टैप करके रखना है। ठीक, जैसे ही टैप करके रखिएगा यहाँ पर कुछ इमोजी आएगा, आप लाइक लव या हंसने वाला, और यहाँ पर देख सकते प्रणाम करिए सारे यहाँ पर इमोजी आप कुछ भी देख सकते। यहाँ पर देख सकते लव लाइक दिया है, ठीक, लव यहाँ पर रिएक्ट किए हैं। ठीक, इस तरह से उसको पता चलेगा, कोई भी मैसेज भेजता है तो उसको पता चलता है दोस्तों कि हाँ दोस्तों वो रिएक्ट किया है, कैसा रिएक्ट किया। ठीक, यहाँ से आप रिएक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही आपको रिएक्ट करने के मिल रहा है दोस्तों। अब फिर नया अपडेट आएगा व्हाट्सअप का तो आप जितना भी बहुत सारा इमोजी वह ऐड करेगा रिएक्ट करने के लिए। ठीक, और दोस्तों ये आपको ऑप्शन नहीं आया, देखिए यहाँ पर डिलीट करने के टैप करके रखिएगा तो आता है। ठीक, अगर आपने ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और WhatsApp सर्च करना है, वहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको अपडेट करना है। ठीक, और जैसे ही दोस्तों WhatsApp को आपको अपडेट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी WhatsApp का नया फीचर आता रहता है वो आपका आ जाएगा और यहाँ पे रिएक्ट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा और वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।